अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो मेरे सेकंड ब्लॉग की जो स्टोरी है वो ये है कि मैं बैठा हुआ था आराम से घर सुकून के साथ, तो मेरा दरवाज़ा खटखटा और एक मेरा गरीब दोस्त आरएस जिसका नाम वो ठहरा हुआ था, उसने कहा जी मुझे सूप चाहिए, मुझे अभी सूप पीना है। तो उसकी शक्ल जो थी वो तरस खाने जैसी थी, तो मैंने उस पर तरस खाया। ये मूँगफली, और मुझे मूँगफली बिल्कुल पसंद नहीं, आई हेट इट। तो और सूप के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो चिकन है, चिकन हम थी नहीं, शॉप से बंद थी, तो जाहिर सी बात है हमें तिक्का लेना था। वैसे तिक्का अगर सूप के अंदर ऐड करें तो तिक्के की जो स्मेल होती है ना सूप के अंदर वो बहुत अच्छी आती है। हमने वहाँ से तिक्का लिया, फिर उसके बाद ऐसे ही रुलते फिरते सड़क पर ऐसे होते हुए हम वीडियो बनाता रहा, ये गाड़ी चलाता रहा, वो सॉरी गाड़ी तो है नहीं, साइकिल मोटर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते हम अपनी जो है मेन क्या कहते हैं मार्केट के अंदर आ गए। तो ज़ाहिर सी बात है सूप के बगैर सूप कैसे बनेगा। तो हमारी एक ही बेकरी है जी, जिसे हम रहमान बेकरी के नाम से पुकारते हैं, ये एक ही बेकरी है, इस पर सब मिल जाता है, बस यही अच्छी है, तो ट्रस्ट इस पर करते हैं। तो उसने फिर फरमाइश की कि भी कि उसे वो चाहिए, पेस्ट्री चाहिए, मैंने उसे पेस्ट्री लेके दी। ये मेरा प्यार से सूप रखा है, और ये जो अंकल जी ठहरे हैं इधर वो बर्फ़ी डाल रहे हैं। ये एक्चुअली मुझे बर्फ़ी बहुत पसंद है, इसे स्टिक बर्फ़ी कहते हैं, मैं पहले से सिलेंडर बर्फ़ी कहता था या लंबी बर्फ़ी, और जब मेरी बेइज्जती हुई। और ये जो देखें अभी बड़ा शहजादा इधर ठहरा हुआ है, ठीक है, मैं तो इसका नौकर हूँ ना, खैर इतना करना ही पड़ता है। तो मैंने इसको चाबी दी और इसने बाइक चलाई, तो मैं से वापस आते गए। और ये यहाँ पर देवड़े मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं, और ये बस बच गए हम, किसी तरीके से बच गए बस। अब इसकी शक्ल देखिएगा आप, इसकी शक्ल देखिए, इतना गरीब सा है ना, जैसे कुछ कभी देखा ही ना हो। खैर ये टीवी देखने बैठ गया, मेरा दिल कर रहा था कि मैं टीवी देखूं, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कुकिंग करनी थी, सूप बनाने थे, इसको लेट हो रहा था। तो पहले मैंने मटर बॉयल की, उसके बाद मैंने पानी बॉयल किया, ठीक है। तो पानी के अंदर हमने ऐड करना है, स्टर करते हुए हिलाते हुए अपना जो सूप है मीडियम फ्लेम पे रखना है, ठीक है, और इसको फौरन हिलाने लगने जाना है, ताकि ये ना इसके अंदर वो चंक्स नहीं बन जाते सूप के, ठीक है। ये सूप बनता है। अब मैंने जो मेरे पास सिरका है और मेरे पास सोया सॉस है, चिली सॉस है, तीनों ऐड करने हैं, टू टेबल स्पून, ठीक है। और मैश किए हुए जो मेरे पास पीस है, ये मटर है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। देखिए अच्छे तरीके से मैं इसको ऐड कर लूँगा सारे के सारे। आपको जितनी क्वांटिटी रखनी हो मटर की आप उतनी रखिएगा, मुझे वैसे इतनी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने ये क्वांटिटी थोड़ी रखी है। अब इसको अच्छे तरीके से स्टर कर लूँगा। जो मैंने चिकन टिक्का बॉटी ली थी वो मैंने छोटे छोटे पीसेस करके, रेशे करके मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। चिकन बारबेक्यू स्मेल भी अच्छी आती है, और आपको चिकन के लिए इतना मसला भी नहीं है। ये मेरा सोया सॉस है, ये मैंने इसको एंटर करता हूँ डाल दिया, और ये सोया सॉस। अब ये जी हमारा सूप तैयार हो गया। अब देखना इसकी शक्ल देखिएगा आप, सारी शक्ल देखिएगा, कैसे खुश हो जाएगा, ऐसे सदियों में पहली दफ़ा खाना इसने देखा, ठीक है। और ये जो मैंने इसको सूप पेश कर दिया, ये मेरा बेचारा दोस्त खुश हो गया। अब इसकी शक्ल देखिएगा